बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी वे में आलू बुखारी की चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी। चने से बनाना स्टार्ट करते हैं। 6 अदद हमने आलू बुखारे ले लिए हैं, इसे हम कट करेंगे, बीच से दरमियान से कट कर लेंगे और इसके बीज को निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे कट कर लेंगे। आलू बुखारे को हमने कट कर लिया है, अब इसे हम ग्राइंडर जग में ऐड करके ग्राइंड कर लेंगे। एक मिनट तक ब्लेंड करने के बाद हम इसके अंदर एक गिलास पानी डाल देंगे और इसे फिर से ब्लेंड करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब एक पैन में हम ऐड कर देंगे जो हमने पेस्ट रेडी किया था आलू बुखारे का। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्ची, 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्ची ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको पकाएंगे जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। बॉयल आ चुका है चटनी में, देखिए गाढ़ा भी हो चुका है, ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। आलू बुखारी की चटनी हमें तैयार हो चुकी है। ये खट्टी मीठी चटनी होती है और समोसे रोल वगैरह के साथ बहुत मज़े की लगती है। आप लोग भी इसे ट्राई करें और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।